तो दोस्तों आपने जिस बाहर से जिस बिल्डिंग को देखा, हम हैं पांडेसरा जीआईडीसी और हम हैं गौरांग ग्रुप गौरांग टेक्सटाइल के साथ। मेरी एक तरफ आप जो देख रहे हैं, हम फर्स्ट मंजिल पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं। हम आज दिखाने जा रहे हैं आपको साड़ी का पूरा यूनिट, साड़ी कैसे बनती है। ये आरएफडी किया हुआ कपड़ा है। आरएफडी मतलब ये जो आप देख रहे हैं वो इफेक्ट वाला साड़ी का कपड़ा है। इसको लंप कहा जाता है, थान कहा जाता है, और ये जाएगा मिल में, कलर करने वाली मिल में, जिसको डाइंग मिल कहा जाता है। अब ये डाइंग मिल का काम ऐसा होता है कि यहाँ से ये कपड़ा गया, ये कपड़ा जाएगा डाइंग मिल में। जो कलर दिए होंगे, चार कलर के सेट में ये कपड़ा बन के आएगा, मतलब चार येलो होंगे, चार व्हाइट होंगे, चार पिंक होंगे, चार ब्लू होंगे। उस तरह चार कलर मैचिंग में साड़ियां मिलती हैं। कोई भी सिंगल साड़ी नहीं बेचता है, जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है। हम आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेन्युइन मैन्युफैक्चरर होता क्या है, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर करता क्या है, माल आप तक पहुंचता कैसे है। इस चीज के लिए हम आपको लाए हैं एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरर के पास। वीडियो के शुरुआत में आपने इस ब्रांड का आपने देखा होगा एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट। जब हम इस प्रीमाइसेस में एंटर होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, वहां ओनर की कैबिन भी आपने देखी होगी। और आप ये जो देख रहे हैं वो पूरा प्लेन आरएफडी है। आरएफडी कपड़ा वो चीज होती है जो ये जाता है मिल पे। ये देखिए लिखा हुआ के 77 मीटर 13400 मतलब लॉट है। ये इनका एक कोडिंग है और ये 5-4-1 एक ही वैरायटी का एक ही लंब पे से काटा हुआ ये कोडिंग होती है। ये आता है जहां वीवर कपड़ा बुना जाता है, बुनकर के वहां से मिलों में से ये कपड़ा आता है जहां मशीन है। आपने कई बार देखा है यूट्यूब वीडियो पे लोग एम्ब्रॉयडरी की मशीन दिखाते हैं, एम्ब्रॉयडरी की मशीन पे ये कपड़ा नहीं बनता है। ये कपड़ा बनता है प्योर बुनकर के वहां। ये कपड़ा आरएफडी कहा जाता है। आरएफडी कपड़े को डाई किया जाता है और डाइंग वाले कपड़े को वापस जब आता है तो उसको काटा जाता है साड़ियों की साइजेस। चलिए एक और मंजिल की आपको विजिट कराते हैं। हम जिस ब्रांड के साथ आपको कनेक्ट करने वाले हैं, लेकर जाने वाले, ब्रांड का नाम है गौरांग ग्रुप, गौरांग टेक्सटाइल। बता दूं कि जहां आप हैं, साड़ी का सबसे बड़े में बड़ा गोदाम, साड़ी के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर। आपने यूट्यूब पे कई जगह टाइटल देखे होंगे, पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो ये रियल में सही, मतलब इसमें आपको साबिती की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ब्रांड के लिए ये कहा जाता है
कि पिछले 30 सालों से ये ब्रांड इसी फील्ड में प्रिंटेड साड़ी का कारोबार करती है। प्रिंटेड साड़ी मतलब मिल प्रिंट कहा जाता है, आपने डिजिटल प्रिंट भी सुना होगा। मिल प्रिंट और डिजिटल प्रिंट में यही फर्क होता है कि डिजिटल प्रिंट में आप 100 मीटर 200 मीटर भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि जमाना तकनीकी हाईफाई हो गया है, डिजिटल हो गया है। और मिल प्रिंट वो होता है जहाँ एक मशीन पे एक ही प्रिंट को बार बार 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर छापना पड़ता है। आप जिस गोडाउन में है उस कंपनी का नाम है गौरांग ग्रुप, गौरांग टेक्सटाइल। इनका दुकान जो है वो NTM न्यू टेक्सटाइल मार्केट में है, जो ड्रेस मटेरियल के दुकान है। और आप जिस गोडाउन में खड़े हैं उसमें आप ज्यादातर साड़ियां देखेंगे। साड़ियों का इनका जो दुकान है सूरत टेक्सटाइल मार्केट में है, एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खास ध्यान से पढ़ें। जो व्यापारी मित्र साड़ी के कारोबार में है, साउथ इंडिया से है, हैदराबाद से है, बेंगलोर से है, उनके लिए मैं आपको ऐसा कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ, सस्ते में सस्ता, अच्छे में अच्छा और बेहतरीन में बेहतरीन क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत छोटा होने वाला है मुकाबले के पिछले वीडियो जो आपने देखे हैं। गौरांग ग्रुप का पांडेसरा वर्कशॉप जिसमें साड़ियों का कारोबार हो रहा है, साड़ियां कैसे बनती है ये सारी दिखाई जा रही है। मेरे आप एक साइड जो देख रहे हैं, दूसरी साइड देख रहे हैं, सारे के सारे पीछे तक डब्बे देख रहे हैं आपको। चलिए मैं आपको एक सफर कराता हूँ, छोटा सा शॉर्ट ट्रिप पे लेके जाता हूँ, आप समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। मेरे एक तरफ है साड़ियों के भंडार खान कटे हुए, और ये है कटिंग किया हुआ माल। कटिंग किया हुआ माल मतलब 6 मीटर की जो साड़ी बनती है, इनकी साड़ी 6 मीटर की रहती है, 6 मीटर की जो साड़ी बनती है ये आप मेरे सामने देख रहे हैं एक ही प्रिंट में। पर जब आपको लेना होता है तो आपको मिनिमम फोर कलर मतलब एक ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, इस तरह के 4 कलर का सेट मिलता है। आप जो देख रहे हैं वो मिल से आया हुआ माल है, कट के तैयार होकर सारी चीजें पैक की गई हैं। आप देख रहे हैं 1, 2, 3 ये टोटल बंडल जो आप देख रहे हैं किसी भी एक प्रिंट का है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको कहीं ना कहीं साड़ी को इस पे रख के ये एक एक मीटर का जो साड़ी का लंप है, साड़ी का लंप आता है एक सा, मतलब पूरा पूरा बंडल जो आपने शुरुआत में देखा। अब साड़ी का बंडल अगर आप देखेंगे तो ये साड़ी मिल में से जो आई हुई साड़ियां हैं एक तरफ आपके, उनके लंप आते हैं 100 मीटर 150 मीटर जो जो ताका रहता है, ठीक है। प्रिंट होने के बाद मिल से आया हुआ कपड़ा है ये, इसको यहाँ रखा जाता है, बराबर 6 मीटर की साड़ी को कट किया जाता है। 6 मीटर की साड़ी मतलब यहां से 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ इस तरह 6 मीटर की साड़ी को कट किया जाता है। अब इससे होता क्या है, स्टैंडर्डाइज आपको जो साइज मिल रही है वो सारी की सारी साइजेस आपको स्टैंडर्ड साइज की साड़ियां मिलती हैं। सूरत में कई व्यापारी ऐसा करते हैं कि आपको कहते हैं 6 मीटर देते हैं 580 540, उस तरह का काम यहाँ नहीं होता। ये ब्रांड बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है और कह लीजिए कि इनका एक स्टैंडर्ड बना पड़ा है। आप साउथ इंडिया में इनके नाम से इनको पहचान सकते हैं, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, चाहे आप ई कॉमर्स पोर्टल पे देखें फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा जैसे पोर्टल्स पे, ई कॉमर्स वर्टिकल पे, या फिर आप देखें वेबसाइट पे, इनकी वेबसाइट पे भी आप माल परचेज कर सकते हैं। आप अगर दुकानदार हैं तो आसान सा तरीका है, अपनी दुकान का विजिटिंग कार्ड लीजिए, इनके दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और इनके बच्चे आपको सपोर्ट देंगे। मेरे दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वो पूरा एक प्रोसेस है। प्रोसेस में ये जो लंप आता है इसको काट के टुकड़ों में, यहाँ माप के इस जगह पे माप के टुकड़ों में बराबर 6 मीटर काटा जाता है, और काटने के बाद वह प्रोडक्ट वहां जाता है। भैया के पास जो भैया कर रहे हैं ना वो एक्चुअली कर रहे हैं इसकी फोल्डिंग, 6 मीटर काट के इस तरह की साड़ी की फोल्डिंग की जाती है। अब ये होगा पैक, इसमें एक धागा लगेगा जैसे ये लगाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड 6 मीटर की साड़ियां हैं। और इन साड़ियों को फिर फोटोशूट होने के बाद आप तक बॉक्सेस में जो आपने देखा वो पैक होकर आता है, मतलब आपके पास जो मटेरियल आता है वो फाइनल फाइन प्रूफ चेक क्वालिटी चेक होने के बाद का मटेरियल है। चलिए समझते हैं आगे का प्रोसेस। चलिए और एक थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ जो भी आप बॉक्स देख रहे हैं ये चेन्नई की जो मतलब पैकिंग हो रही है, चेन्नई के लिए जो इनका माल जा रहा है, हैदराबाद के लिए जो माल जा रहा है उसकी पैकिंग देख रहे हैं आप। आगे अगर आप देखें तो इनके पास अलग अलग टाइप के बॉक्स रहते हैं, ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस पे भी आपको पूरी पूरी ब्रांडिंग मिलती है। याद रहे दोस्तों, अब तक आपने जो भी देखा है जिस मैन्युफैक्चरर से आप मिले हैं, वादा करता हूं कि यह मैन्युफैक्चरर जेन्युइन मैन्युफैक्चरर साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुलेआम पता लगता है कि ये कौन जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है, कौन डमी है। 50 दुकानें दिखाने से साड़ी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं बनता है। आपको चाहिए कि ये पूरा कलेक्शन आप जो देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है, जहां तक
जहां तक आपकी नजर जा रही है पूरी की पूरी विशाल मंडी का एक ऐसा हिस्सा, बिल्डिंग का पूरा फ्लोर आपके लिए उपलब्ध है प्रिंटेड साड़ी के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो लोग कहते हैं कि हम 50 आइटम बनाते हैं, 100 आइटम बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। सूरत की धरती में आप साड़ी का कारोबार जब कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रिंट पे या एक आइटम पे आपको काम करना पड़ेगा। मोटा मोटा इनके चुनिंदा आइटम जो है दानी रेनियल प्राइमरी रेंज कही जाती है, सस्ती साड़ियां कही जा सकती है, मिल प्रिंट कही जा सकती है, कई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। जितना भी आप माल देख रहे हैं यहाँ, ये सारा का सारा माल अगर आप थोड़ा सा जूम करके उधर देखें तो वो प्रोसेस हो रहा है। मतलब एक साड़ी को 5 मीटर 6 मीटर का जो साइज रहता है उसमें काटने के बाद जो बनता है वो आपके सामने है। आइए अब आप जो देखने वाले हैं ये एक चमत्कार दिखाता हूं। इतना सारा माल किसी भी एक आइटम में या किसी एक कलेक्शन में, कलेक्शन डीट पूरा बंडल है, आप जो पूरी पूरी पैकिंग देख रहे हैं वो माल डिस्पैच होने के लिए तैयार किया गया है। और कहीं ना कहीं आप इस पे देखिए, आप जैसे ये है जानू कलेक्ट कॉम्बो 6, आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे www.gaurangroup.com, ये इनकी वेबसाइट है जो नीचे लिखी हुई है, स्क्रॉल बार में आपको वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। और मेरे हर तरफ आप जो बॉक्सेस देख रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं साड़ियों की अलग अलग वैरायटी है। अब देखिए ये बॉक्स की साइज नॉर्मल बॉक्स से बहुत बड़ी है, ये मेरे जो हाथ में आया है ये बहुत बड़ी साइज का बॉक्स है। अब कहीं ना कहीं इसमें आपको वर्क वाली या जिसको कहते हैं प्रिंटेड साड़ी के ऊपर वर्क होता है उस तरह की वैरायटी है। हर एक रेंज के लिए इनके पास एक बॉक्स है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। और हाँ एक चीज समझ लीजिए, इनके जो प्राइजेस हैं वेबसाइट पे, इनके व्हाट्सएप पे, आपको जो फोन पे आप करते हैं या टीम से बात करके लेते हैं, ये सारे प्राइजेस सिंगल प्राइजेस हैं, कोई अलग अलग भाव नहीं है। मतलब एक को 40 की गई, एक को 80 की गई, ऐसा नहीं हो। ये जो पूरी पूरी रेंज है बिलो 280 की रेंज है जहां आप पूरा देख रहे हैं दोस्तों। ये पूरी की पूरी साड़ियां 280 रुपए तक की रेंज है, जी हाँ 280 रुपीज की रेंज। आइए चलते हैं आपको और एक कॉर्नर दिखा देते हैं जहां आपको पोस्टर के साथ पैकिंग होने के बाद वाला हिस्सा दिखा रहा हूं। ये पोस्टर के साथ पैकिंग के बाद वाला हिस्सा है, बाद वाला हिस्सा मतलब मैंने आपको कहा था 1, 2, 3 और 4, ये 4 कलर है। इन चारों कलर का मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बंच दिखाया, एक का बंच अलग से आया, दूसरे का बंच अलग से आया, तीसरे का बंच अलग से आया, एक ही मिल में 4 अलग अलग प्रिंट हुए थे। इसको अच्छी तरह काटा गया, इनका वीडियो शूट फोटोशूट करवाया गया और उसके बाद इस तरह के या तो डब्बों में जाएगा, या आप इस तरह के जो डब्बे देख रहे हैं उसमें जाएगा, या तो फिर ये ऐसे जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। एक तो होता है डब्बों वाला, जो मतलब दुकानदार जो होते हैं उनको अगर अच्छी तरह प्रेजेंट करके अपने शोरूम में रखना है तो डब्बे वाला ऑप्शन होता है, और अगर उनको अपने नाम से इसको रीक्राफ्ट रीपैक करवाना होता है तो इस तरह का माल लिया जाता है। तो दोस्तों इस ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए आप कृपया करके दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो 3 एड्रेसेस दिए गए, एक वर्कशॉप का एड्रेस है, 2 दुकानों का एड्रेस है, साड़ी ड्रेस मटेरियल और कुर्ती और रेडीमेड गारमेंट ये सारा बनाते हैं। ब्रांड का नाम है गौरांग ग्रुप। वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ रुकने के लिए शुक्रिया, आभार। और मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा अगले वीडियो में इसी ब्रांड के डिटेल वीडियो के साथ, जहां आप ब्रांड के ओनर को भी देख पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे और समझेंगे कि यह व्यापार कैसे होता है। शुक्रिया।